दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में नवनिर्मित टेनिस एवं बास्केटबॉल कोर्ट का उद्घाटन बृहस्पतिवार को बतौर मुख्य अतिथि अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन अखिल कुमार एवं कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह द्वारा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पर विधिवत पूजन के बाद शिलापट का लोकार्पण और फीता काट कर किया गया। इस दौरान एडीजी जोन अखिल कुमार और कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह ने टेनिस खेल कर मैच का शुभारम्भ किया। इस अवसर पर कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह ने कहा कि विश्वविद्यालय में खेल और खिलाड़ियों के विकास के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन ने नए सत्र में विद्यार्थियों के लिए एनसीसी, एनएसएस, रोवर्स, रेंजर्स के साथ स्पोर्ट्स को भी अनिवार्य किया है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अपर पुलिस महानिदेशक अखिल कुमार ने कहा कि सिंथेटिक बास्केटबॉल और टेनिस कोर्ट के निर्माण से विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। टेनिस और बास्केटबॉल अपने आप में बढ़िया एथलेटिक्स स्पोर्ट्स है। ये केवल हमारे स्वास्थ्य को फिट ही नहीं रखता बल्कि टीम बिल्डिंग, फाइटिंग स्पिरिट, यहाँ तक कि हारना भी सिखाता है। खुशी है कि विश्वविद्यालय के अंदर नई शुरुआत हुई, कुलपति जी के नेतृत्व में अच्छा काम हो रहा है और इसे बढ़ावा देने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि बास्केटबॉल और टेनिस में हमारे पास प्रतिभाओं की कमी है, संसाधनों के अभाव में प्रतिभाओं को प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। ऐसे में यह पहल इस क्षेत्र में आगे बढ़ने वाले खिलाड़ियों के लिए एक वरदान साबित होगी। गौरतलब है कि विश्वविद्यालय के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पर निर्मित सिंथेटिक टेनिस और बास्केटबॉल कोर्ट का निर्माण 37 लाख रुपए में कराया गया है, जिसमें सिंथेटिक टेनिस कोर्ट के निर्माण में 10 लाख और सिंथेटिक बास्केटबॉल के निर्माण में 27 लाख रुपए की धनराशि खर्च हुई है। इस अवसर पर DSW प्रोफेसर अजय कुमार सिंह, चीफ प्रोक्टर प्रोफेसर सतीश चंद्र पांडे, क्रीडा परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर अजय शुक्ला, डॉक्टर राजवीर सिंह, प्रोफेसर विजय चाहल के साथ विभिन्न संकाय के संख्याध्यक्ष और विभागाध्यक्ष मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए क्रीडा परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर अजय शुक्ला, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह और एडीजी जोन अखिल कुमार ने कहा, आप तो खेलने के मूड में आ गए। आप सर आनंदजीत लाल जी, इन्हीं के फादर के फादर भी टक्कर बारिश बंद हुई है धीरे धीरे करके, वो सुबह से बारिश ही बारिश हुई। पंडित अभ्यांग नमः शशि पुरंदराभ्यांग नमः धर्माय नमः वास्तुदेवाय नमः श्री विश्वकर्मणे नमः। दंतस्य कपिलोपचकर्ण कालंबोदरस्य विक्टो विघ्ननाशो विनायक धूम्रकेतु गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजानन ओम विघ्नेश्वराय
देखिए, आपको बताना चाहते हैं कि पूर्वांचल में, और वैसे भी आप जैसा जानते होंगे कि सरकार में खेल को बढ़ावा देने के लिए कई अलग तरीके की स्कीम लागू की गई हैं, तो इस विश्वविद्यालय ने माननीय कुलपति जी की अगुवाई में विश्वविद्यालय में खेल को किस तरीके से समृद्ध किया जाए उसके लिए कई योजनाएं तैयार की हैं। उसमें एक ये नया स्टेप है कि हमारे दो सिंथेटिक कोर्ट तैयार हो गए हैं, एक हमारा टेनिस कोर्ट है, एक बास्केटबॉल कोर्ट। सिंथेटिक कोर्ट आज की बहुत ज़रूरत है, मुझे नहीं लगता है कि कहीं सिंथेटिक कोर्ट इस तरीके का है जिस तरीके से विश्वविद्यालय ने तैयार किया है। और अभी माननीय कुलपति जी की अगुवाई में जो 100 बच्चों को एक यहाँ विश्वविद्यालय तैयार कर रहा है जो कि नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर आगे खेलेंगे, उन सब के लिए ये इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी था। और ये जो चीज़ें हो रही हैं, निश्चित तौर पर इस विश्वविद्यालय के खिलाड़ी नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर अपना नाम रोशन करेंगे। आज जो टेनिस कोर्ट है और बास्केटबॉल कोर्ट का इनॉग्रेशन हुआ है, और हमने अनुरोध किया था हरीश जल्दी जी, अखिल कुमार जी के, तो उन्होंने आज किया। उन्होंने इनफैक्ट वो प्लेयर है, मेरे से एक दो बार फ़ोन भी किया कि ये इसका ये बन गया है लेकिन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, तो हमने थोड़ी बहुत कमी थी इसको कमी को कंप्लीट कराया और इसको आज स्टार्ट करा दिया। और जानते हैं DDU गोरखपुर स्पोर्ट्स NCC और NSS को कंपलसरी 2 क्रेडिट करने जा रहा है, तो हर बच्चे को या तो NCC लेना पड़ेगा, NSS लेना पड़ेगा, या रेंजर्स रोवर्स लेना पड़ेगा, या फिर स्पोर्ट्स के फील्ड पे एक क्रेडिट का कोर्स है, मतलब एक दिन उसको हफ्ते में फील्ड पे आना पड़ेगा। तो ये इसलिए इसके लिए भी जरूरी है कि ऐसी फैसिलिटीज संसाधन बढ़ाया गया यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट। हाँ, ये कोशिश है इसमें कि और बढ़े हर फील्ड में। ये टेनिस का भी है, बास्केटबॉल का है, वॉलीबॉल का भी हम लोगों ने सेंक्शन कर दिया है, ये भी 1-2 महीने में बन जाएगा। तो ये जो कोर्ट गेम है इस तरह का सेंट्रिक कोर्ट के यहाँ पे रहेगा, और भी हम लोग फैसिलिटीज देने जा रहे हैं। देखिए, खेल का महत्व हम सभी के जीवन में बहुत ही बड़ा होता है। मुझे खुशी है कि VC साहब ने गोरखपुर विश्वविद्यालय में ये जो सुविधा प्रदान की गई है, उच्च कोटि का, हम देखें सिंथेटिक ट्रैक पे बना हुआ है बास्केटबॉल और टेनिस कोर्ट। मुझे उम्मीद है कि जो छात्र हैं गोरखपुर यूनिवर्सिटी के, उनके सर्वांगीण विकास के लिए स्पोर्ट्स जो कि एक क्रिटिकल पार्ट होता है, उन दोनों में ये दोनों स्पोर्ट्स भी कंट्रीब्यूट करेंगे। टेनिस और बास्केटबॉल अपने आप में एक अच्छा एथलेटिक स्पोर्ट है, और स्पोर्ट ना आपको स्वस्थ रखने में मदद करता है, ये कई अदर चीज़ें सिखाती है जिसमें टीम बिल्डिंग, फाइटिंग स्पिरिट, और सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ होती है कि स्पोर्ट्स आपको हारना सिखाता है। तो इन सारी चीज़ों से मुझे खुशी है कि एक नई शुरुआत हुई है गोरखपुर के अंदर में। माननीय VC साहब के नेतृत्व में अच्छा काम हो रहा है, और इसी प्रकार स्पोर्ट्स को ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा, यही उम्मीद है हमें। सर, काफ़ी रुझान कम हो रहा है टेनिस टेबल स्पोर्ट की तरफ, जो भी खिलाड़ी हैं आज युवा हैं क्रिकेट और उस पर भाग रहे हैं ज़्यादा। देखिए, जैसे जैसे हमको प्रमोट करना पड़ेगा, आज के दिन में अगर आप देखिए तो इंटरनेशनली भी टेनिस में हम उतने अच्छे नहीं हैं, बिकॉज ये नहीं कि टैलेंट नहीं है, फैसिलिटी नहीं है। आप पूरे गोरखपुर केंद्र में जाइए तो 2 या 3 टेनिस कोर्ट्स हैं, जबकि वर्ल्ड ओवर इनके कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स में काफ़ी एज ए प्रोफेशनल प्लेयर भी आप ग्रो कर सकते हैं, अगर आप करियर बनाना चाहें तो भी ग्रो कर सकते हैं। बट जब तक हमारे पास फैसिलिटी नहीं होगी तो छात्र या युवक कैसे आगे आएंगे। तो ये एक अच्छी शुरुआत है, धीरे धीरे जब हमारे पास फैसिलिटी बढ़ेगी तो प्लेयर्स भी निकल के उभर के आएंगे।